वाकई अच्छी है। लेकिन आज तो दो सेलिब्रेशंस हैं, एक तो ऑब्वियसली आपके अवार्ड पे और दूसरा रमशा के आने की खुशी में। हाँ बिल्कुल। मेरे गुस्से की वजह तुम्हारे दो चेहरे हैं, एक वो जो रूही के साथ है और दूसरा मेरे साथ। मोहब्बत की बातें और वादे तुमने मेरे साथ किए हैं और मुलाकातें तुम कर रहे हो रूही के साथ। मैं जब तक इस घर में रहूंगी ना, आपके और उसके दरमियान कुछ ना कुछ होता रहेगा। आप और बीजान कब तक मुझे डिफेंड करेंगे? तो मुझे जाना होगा, बस मुझे यही कहना था। How can we lose this thing? ये कोई तरीका तो नहीं है। और जहां पर जिसको भी जिम्मेदारी का मतलब नहीं आता उसे कहें वो अपने घर जाए। ये ऑफिस है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है। बताएं जाके सबको। जी बेटर। रुबिल भाई मैं बाद में आ जाता हूँ। हाँ यार थैंक यू, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक। कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूँ। ओके। हेलो, कहाँ पर हैं आप? मैं गाड़ी में बस घर जा रही थी। ऑफिस आ सकती हैं आप मेरे? खैरियत? बस आ जाएं आप प्लीज। हाँ हाँ आ सकती हूँ, आ रही हूँ। थैंक्स। अब भाई अब घर नहीं जा रहे, रुहेल के ऑफिस जाना है तो आगे से ना राइट ले लीजिएगा। रोहिल हम कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहाँ पर नई कहानी शुरू हुई थी, जहाँ समरीन और रमशा में मिले थे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर आके मैंने और आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि मुझे बेवफा और आपको बदचलन बना दिया गया। रोहिल ना आप बेवफा है ना मैं बदचलन, हम दोनों अलग अलग राहों के मुसाफिर हैं, इत्तेफाक से एक ही कश्ती पे सवार। हम अगर कश्ती पानी में इधर उधर डोल ही रही है तो फिर लहरें ही हमारी मंजिल तय करेंगी। रुबी आपको पता है हमारे यहाँ आने पर जिन लोगों ने इश्यू किया था उनमें से एक ने मेरा एतबार खो दिया और दूसरी ने मुझे भी एतबार करना छोड़ दिया। एक से मेरा खून का रिश्ता है और दूसरी मेरी मोहब्बत है या शायद थी। ऐसा ना कह रोहिल, एक जरा सी गलतफहमी, आप दोनों का रिश्ता कभी खत्म नहीं कर सकते। गलतफहमी बहुत छोटा लफ्ज है रूही, ये बदगुमानी है, बेएतबारी और शायद नफरत भी है। जब दो लोगों में मोहब्बत होती है ना रोहिल, तो बेशक रिश्ता खत्म हो सकता है लेकिन नफरत कभी नहीं हो सकती।
हेलो समीर, क्या हाल है? ग्रेट। तुम्हें पता है मैं और रूही इस वक्त कहां पर हैं? वही रेस्टोरेंट जहां पर तुम और रमशा हमसे मिली थी, याद है ना तुम्हें? ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकती हो तुम? और उसी टेबल पे भी बैठे हुए हम दोनों। सो मैंने बेसिकली तुम्हें ये कहने के लिए कॉल किया था कि अगर तुम यहाँ आना चाहती हो तो प्लीज जरूर आओ, और अगर रमशा को भी लाना चाहती हो तो बी माय गेस्ट। मेन्यू प्लीज। समरीन, तो तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना? क्या मुझे लगा बात बढ़ जाएगी? फिर उल्टा रोहिल भी मुझ पर ही गुस्सा होता। मैं सब जानती हूँ रोहिल ऐसा क्यों कर रहा है। वो मुझे बताना चाहता है कि उसकी लाइफ में मेरी क्या हैसियत है। मैं भी हैरान हूँ रूही के डीटपन पर। डोंट वरी, अगर रूही डीट है तो मैं उससे बड़ी डीट हूँ। मैं भी अपने हक के लिए खड़ी होंगी। मुझे तो पुराना वाला रोहिल याद आ गया। कसम से जब टीज करता था ना तो रुलाई देता था। अब ऐसी कोई बात नहीं है। और जिस लड़की के लिए वो मुझे चीट कर रहा है ना, उसको तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगी, और उसको सबक मिलना चाहिए। भाई मैंने तो बहुत कोशिश की उसे बेनकाब करने की, मगर जब मैं कहती हूँ तो सब लोग मेरे और मेरी माँ के पीछे पड़ जाते हैं। डोंट वरी समरीन। अच्छा नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आई हैव पेशेंस टू अटेंड, राइट? बाय। ओके बाय। शाहिदा भाई, ये तीनों मेरे ड्रेस प्रेस क्यों नहीं कर रही हैं आप? पता नहीं कब करेंगी। छोटी सी उलझन है, सोचा कि आपके इल्म में ले आऊं। शायद आपके पास इस उलझन का सुलझाओ। खैरियत तो है, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मशवरे के लिए मुझे अहमियत दी। जी अब बताइए बात क्या है। देखिए, आपको तो मालूम है कि मैं बिला वजह खामखा किसी की गुफ्तगू सुनता नहीं हूं, लेकिन गलती बनाए इसलिए अगर ये मुझसे हरकत हो गई है तो जायज है। बहुत बेहतरीन, इसे जवाज बड़ा माखूद है। जी बिल्कुल। तो जुबैदा और समरीन की गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसा अंदाजा हुआ कि कहीं दूर कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसमें रूही और रोहिल के बारे में वाफिर मकदार में मिर्चें डाली जा रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपने जो इतने गंभीर मसले को जिस अंदाज में पेश किया, उसे तो बाकायदा आपको शाबाश देनी बनती। शुक्रिया। लेकिन हकीकत यह कि मसला इतना पेचीदा हो चुका है कि हम खुद बहुत परेशान हैं। मैं तो समझ में नहीं आता कि ये समरीन और जुबैदा को रूही से या रमशा और रोहिल के रिश्ते से क्या बुरकाश है। यही मसला है जुबैदा और समरीन, उनको अपने आगे और कोई नहीं सोचता। अगर वो खुश है तो यही उनका मसला है। बहरहाल मियां, ये जो रूही रमशा और रोहिल का एक अजीब सा ही तिकोन बन गए। वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन का पिस जाना, रूही के साथ असल में ये हो रहा है। यानी कि रमशा को इस घर में रूही की मौजूदगी पे इतराज है। रमशा को रूही और रोहिल के बातचीत करने और मिलने जुलने पे इतराज है, सख्त नापसंद है उसको। और इस पूरे मामले में जुबैदा और समरीन माचिस का किरदार अदा कर रही हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि होना नहीं चाहिए।
मशकूर मियां, ये सारे मसले मिनटों में तय हो सकते हैं अगर रमशा और रोहेल की फौरन शादी तय कर दी जाए। इतना जल्दी तो मुमकिन नहीं हो सकता, तो जरूरी है कि ऐसा हो जाए। सर में बहू आ जाएगी विजान तो सारे मुस्तहिल हो जाएंगे। आधा बरसों चलना है, जाना है मुझे। एक्चुअली शामीर का मिजाज शायराना है। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, आई मीन आशिकाना। देखें, शायराना हो या आशिकाना, ख्वातीन को दोनों पसंद है। जूस पी लो। अभी मूड नहीं है जावेद, वरना मैं पी लेती। तुम्हारी फेवरेट शॉप से लाना। पी लो, तुम बहुत कमजोर हो रही हो, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। हाँ तो मैं थोड़ी देर बाद पी लूंगी ना, फ्रिज में रख दें, अभी बहुत वॉमिटिंग वाली फील है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। लेकिन बाद में फ्रेश नहीं रहेगा, अभी फ्रेश है, पी लो, टेस्ट बदल जाएगा। जावेद मुझे नहीं पीना, मैं अभी नहीं पी। मैं कह रहा हूँ ना, पियो। हाँ तो मैं बाद में पी लूंगी ना। नहीं मुझे नहीं पीना, मैं थोड़ी ना बात। कुछ नहीं होगा जावेद, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू, आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई। समरीन से काफी जिक्र सुना है मैंने आपका। सेम हियर, हम जब भी मिलते हैं आपका जिक्र जरूर होता है। मैं और रमशा अक्सर यहाँ आते हैं, अच्छी जगह है ना। तो डॉक्टर रमशा, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप ऑपरेशन भी करती होंगी। Don't you worry. आप कभी आए तो हमारे हॉस्पिटल, आप पे भी एक्सपेरिमेंट करके हम आपको अपनी स्किल्स दिखाएंगे। पता है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पहले डॉक्टर्स ना पेशेंट को देते हैं एनेस्थीसिया, उससे क्या होता है पेशेंट को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वैसे मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, वैसे क्या आपका? मुझे भी आपसे कुछ यही उम्मीद है। एक्चुअली शामीर का मिजाज शायराना है। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, आई मीन आशिकाना। देखें, शायराना हो या आशिकाना, ख्वातीन को दोनों पसंद है। और मुझे वैसे भी इंडिपेंडेंट, सूरत, इंटेलिजेंट औरतें बहुत पसंद है। चाहे वो इंडिपेंडेंट, ज़हीन और खूबसूरत ख़वातीन आपकी फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड ही क्यों ना हो, करेक्ट? शामीर, रमशा ने तो तुम्हारा यही ऑपरेशन कर दिया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ तो फिर साथ में देखते हैं ना। अच्छा गाइस, आई रियली नीड टू, मैं अपनी शिप से ना ब्रेक लेकर आ रही हूँ और मुझे इस वक्त जाना है। लेकिन इतनी जल्दी बगैर कुछ खाए पिए? हाँ ना, 10 मिनट में आ जाएगा खाना। नहीं यार, फिर कभी। And Shami, I really like you.
You guys look great together. Good luck. Thank you. Bye. Bye. Take care. Okay. Nice to meet you. Same here. Bye-bye. Bye. 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 हाँ जी, तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तो मुझे पास करती है। अभी कहाँ? अभी तो तुम्हारे लिए डिटेल रिपोर्ट देगी। ये तो कैजुअल सा कमेंट था। रिपोर्ट भी मिल जाएगी। ये बताओ, अपने घर वालों से कब मिला रही है? तुम्हें प्रपोज तो मैं काफी बार कर चुका। इस तरह कौन प्रपोज करता है? जैसे कोई बंदा फ्लर्ट कर रहा हो, अगले दिन इरादा ही बदल जाए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब लग रहा है कि तुम सच कह रहे हो। तो जवाब हाँ है या ना? हाँ। अभी ना हाँ है ना ना है। पहले घर आओ, घर वालों को इंप्रेस करो, फिर हाँ ही हाँ। तुम्हारे घर वालों को तो मैं इंप्रेस कर ही लूंगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो कब बुला रही हो? बस एक दो दिन में। ठीक है। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? कितनी बार कहा है कि इस वक्त कैंची मत चलाया करें, बदशगुनी है ये। आपकी आमद ने आपके बयान पर मोहर कर दी है। आपका कहने का मतलब है कि हमारा आना इस वक्त बदशगुनी है? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कराची में आधे हजाम तो खुले हुए होंगे इस वक्त, मगर कोई 10 से 20 हजार कैंचिया जो है अपने काम पे गामजन। आपसे बात करके ऐसे लगता है जैसे इंसान फर्दे जुर्म सुन रहा है कटहरे में खड़ा होकर। बचपन में वकालत का शौक था तो हमें, लेकिन बड़े भैया ने ऐसा काम पे लगाया कि बस जिंदगी नोट गिनते ही गुजार दी। अरे नोटों से याद आया, समरीन बता रही थी कि माशाल्लाह से कारोबार में बहुत मुनाफा हुआ है इस बार। हाँ, मुनाफा हुआ तो है। अच्छा, इसमें रोहिल और उसकी टीम की अंतक मिनट शामिल है। उस टीम में हमारी बिटिया भी तो शामिल है। तो आपने अपनी बिटिया से ये नहीं पूछा कि जब वो मुनाफा हो रहा था तो उस कारनामे में उनका क्या किरदार था? कर लें तंस। तंस के नश्तर से बाज नहीं आते आप। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कारोबार में हमारा मुनाफा कहाँ है? ये जो फसल पकी है माशाल्लाह से, इसमें से चार दाने हमें भी मिलेंगे या नहीं, या सिर्फ वादे ही चलेंगे? मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आपको हर माह रकम मिलती है वो उसी मुनाफे की बदौलत है, बराबरी की बुनियाद। तो अगर आपकी कोई जायज जरूरत है, चाहे वो रकम उसे कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, और आप उसको मांगे और आपको ना मिले, तो आपका हाथ और मेरे गरेबान। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे भी बद तहजीब नहीं हम कि अपने सरताज का गरेबान पकड़ कर खेचे? अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसा हम कभी भी ना करें। हाँ अलबत्ता, बड़े भैया और भी जान से हम बात जरूर करेंगे। करे, कोई फायदा नहीं। देखिए, जब समझाऊ, जब तक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा नए साल का, तब तक बोर्ड अप्रूव नहीं करेगा, बात आगे कैसे बढ़ेगी? आप चाहते हैं आप बात आगे बढ़े? देखिए, मैं चाहता हूं कि जो भी हो वो खानदान की बेहतरी के लिए, आप चाहती हैं कि वो हो जो सिर्फ आपके लिए बेहतर हो। आपसे तो बात करनी ही नहीं चाहिए, मैं बड़े भैया से खुद ही बात कर लूंगी। कर लूं, कोई फायदा नहीं। तुम सोच रहे होगे रोहिल कि मैं कितनी बदल गई हूँ, कितनी इनसिक्योर हो गई हूँ ना। शायद मैं खुद अपने आप से नाराज हूँ। मैंने बहुत सोचा कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि मुझ जैसी एजुकेटेड लड़की एक बेसहारा मजलूम लड़की से कैसे इनसिक्योर हो सकती है। तो उसकी वजह शायद मेरी फीलिंग्स है, और उसकी वजह मेरा एक औरत होना भी है। आई एम रियली सॉरी, मेरा एटीट्यूड बहुत बुरा रहा है तुमसे, रूही से, एंड स्पेशली बीजान से।
डैड की तबीयत अचानक फिर से बिगड़ गई है। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ रोहित, टाइम मिला तो तुम्हें जरूर कॉल करूंगी। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। I hope your dad feels okay and thank you so much for your message. तुम अपना बहुत ख्याल रखना, जब तुम्हें वक्त मिले मुझे कॉल कर देना and have a safe flight. Take care. ना मनहूस वजूद अपने कमरे की हद तक रखना। मैं नहीं चाहती तुम्हारी नहुसत की वजह से पर फिर मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। मेरे कमरे में रहने से अगर तुम्हारा काम बनता है मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं मुझे। समझी, हो सकता है आने वाला शख्स मुझसे ज्यादा मनहूस साबित हो तुम्हारे लिए। रूही, तुम्हारे लिए इतला है कि कल मेरा होने वाला मंगेतर और फ्यूचर हस्बैंड घर वालों से मिलने आ रहे हैं। तो कल के दिन ना मनहूस वजूद अपने कमरे की हद तक रखना। मैं नहीं चाहती तुम्हारी नहुसत की वजह से पर फिर मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। मेरे कमरे में रहने से अगर तुम्हारा काम बनता है मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं मुझे। समझी, हो सकता है आने वाला शख्स मुझसे ज्यादा मनहूस साबित हो तुम्हारे लिए। और क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं है, एक्सपीरियंस है मेरा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। किसी जिंदा को मारो समझी, मैं तो मर चुकी हूँ। रूही, अरे बीजान, आप आजकल तो स्कूल से आने के बाद ऐसी ही गायब होती हैं, कमरे में आके बंद, हम तो शक्ल को तरस जाते। बीजान बस तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है मुझे। अरे डॉक्टर के पास ले जाएं कल आपको? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास चली गई थी, दवाई भी ले ली है मैंने, खा रही हूँ दवा। अच्छा बेटा, आपको ये बताने के लिए आए थे हम कि खैर से कल ना समरीन के जो होने वाले दुल्हा हैं हम सबसे मिलने आ रहे हैं। खैर मिले तो पहले भी हैं, लेकिन बकौल समरीन के कि अब मामला सिलसिला कुछ और आगे बढ़ गया है। हमने सोचा था कि आपके साथ मिलकर उनके लिए कोई अच्छा सा इंतजाम कर लेंगे, लेकिन खैर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट करें, हम और जुबैदा जो है वो कर लेंगे सब। ठीक है बीजान, मैं वैसे कल स्कूल की भी छुट्टी ही कर रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं शायद नीचे नहीं आ पाऊंगी कल। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं, आपके लिए सूप बना के लाएं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है बीजान, मैं। अरे नहीं नहीं, क्यों, उसमें कौन सी इतनी मेहनत है, हम शायदा के हाथ भेज देते हैं बना के। चले सही, भेज दे, अभी भेज दे। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।
भाई समरीन कहाँ है? असल में तो इनके मेहमान है ये। आ रही है। कैसे हैं बेटा आप? खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? रुहेल भी होता ना तो अच्छा होता। हमने रुहेल मियां को बता दिया था, उन्हें हैदराबाद किसी खास काम से जाना था, तो रात जरा लेट वापस आएंगे। आपकी बहन कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। हमें उनसे मिलने का बहुत इश्तियाक है। हाँ वो दिसंबर की छुट्टियों में आएंगी इंशाल्लाह कराची, जरूर मुलाकात करेंगे। जरूर जरूर। लीजिए आपकी असल मेजबान भी आ गई। हाँ बेटा रूही कहाँ थी बेटा? तू अभी थोड़ी देर पहले आती ना तो समरीन के होने वाले मंगेतर से मिलती, अभी अभी गए हो। तुम बहुत खुश होती समरीन के इंतखाब पर। बीजान मुझे रूही बेटा आइए आप हमारे पास बैठिए ना। मुझे काम है स्कूल का ना काफी, तो इस वजह से आज बर्डन थोड़ा ज्यादा है ना, मैं आती जरूर। मैं जाऊं? बड़े भैया शामिर वैसे भी हम सब घर वालों से मिलने आए थे, सो मिल लिया। के दरमियान कुछ है भी, लेट्स से, तो मुझे उसका एतराफ करने में क्या हर्ज है? अगर आज मैं रमशा से ताल्लुक खत्म करके रूही से ताल्लुक जोड़ लेता हूं तो कौन रोकेगा मुझे? जावेद ने समरीन को तो अपने जाल में फंसा ही लिया, लेकिन बाकी घर वाले भी लगता है कि उसी की हिमायत में है। आज अगर मेरा उसका सामना हो जाता तो क्या समरीन और चची जान मेरी बात पर यकीन कर लेते? क्या जावेद जैसे शातिर आदमी के लिए मुझे झूठा साबित करना मुश्किल काम है? और अगर वो मुझे इस घर में देख लेता तो क्या अपनी राह से हटाने के लिए मुझे जान से मार सकता है? हीरा को भी जावेद कुछ भी कर सकता है,
और अगर उसने हीरा को अपनी औलाद तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। समरीन और चची जान ने जो मेरे साथ सुलूक किया है, क्या उनके लिए मुझे अपनी और हीरा की जान को खतरे में डालना चाहिए? मुझ पर एहसान तो बड़े अब्बू, बीजान और रोहेल ने किए। समरीन और चची जान ने तो मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर नहीं 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 रूही, नहीं, तुम्हें ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे। ये बात सारी ये है कि शामिर से मैं पहले ही मिल चुका हूं और आज इनके कहने पे दोबारा मिलिए, लेकिन बाकायदा तौर पे उसने रिश्ता भी दिया नहीं है, लिहाजा मराहल अभी बाकी हैं। देखिए, लड़के का रख रखाव और खानदानी पस मंजर का जहां तक हवाला है, उसके लिए तो आप मर्द हजरात हैं ना, आप हैं, घर के मर्द हैं, ये इनका काम है। लेकिन वो हमारी बेटी को पसंद करता है, ये बात तो वाजे हो गई ना? जी बीजान, बिल्कुल। बस उसकी बहन आएगी, फिर बाकायदा रिश्ता भी भेज देगा और बाकी मामलात भी फिर तय हो जाएंगे। ये जो बाकी मामलात की बात कर रहे हैं ना आप, इन्हीं को बारीकी से देखा जाता है, नहीं तो शम्मो वाली गलती में दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मशकूर मियां, लेकिन लड़के की तालीम और तरबियत, किरदार, रहन सहन ये देखा जाता है और इस हवाले से हमें तो शामिर बेहतर लगा। अब अगर आप लोग इजाजत दें तो मुझे कुछ कहना है। बेटा आपकी बात की बहुत अहमियत है, आप कहिए, जरूर कहिए। आज शामिर का घर आने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सबकी उससे मुलाकात हो जाए। उससे मिले मुझे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ, वो मुझे पसंद करता है और इस बात का इजहार कई बार कर चुका है, लेकिन भी आखिरी फैसला बाकी है। ये आखिरी फैसला दिल से नहीं, दिमाग से करना। इंसान को पहचानने का तजुर्बा है हमें। मशकूर मियां, आप राई का पहाड़ बनाते हो। जहां तक बात है लड़के की मालूमात की, तो वो हम कर लेंगे। लेकिन यहां जो असल बात है वो समरीन की पसंद है, जिंदगी इसने गुजारनी है। नहीं होता है मुझसे आपसे इख्तलाफ। हाँ तो करो इख्तलाफ, किसने मना किया, करो इख्तलाफ। लेकिन फिलहाल घर में खुशी का माहौल, इसे एंजॉय करो यार। एंजॉय, राइट, इस पे बाद में बात करेंगे हम। हमारी तो बस ये दुआ है कि जो कुछ भी हो अल्लाह ताला हमारी बेटी के हक में बेहतर कर दे। देखा आपने, इस घर में सिर्फ आपकी मां खैर ख्वाह है और कोई नहीं है।
आपके वालिद को तो बस कीड़े निकालने आते हैं। मैं आपकी पसंद से खुश हूं मुतमिन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रोहेल मियां, बेटा आपने बड़ी देर कर दी आने में, हम तो आपके इंतजार में जाग रहे थे। समी, वो हैदराबाद से तो मैं वापस आ गया था, लेकिन ऑफिस में कुछ काम था जिसकी वजह से देर हो गई, बता नहीं सका। भाई आज तो घर में माशाल्लाह बड़ी रौनक रही। वो आए थे क्या नाम है, शामी, वो जो समरीन से शादी की ख्वाहिशमंद है। मुलाकात हुई थी उससे एक बार मेरी, समीन ऑफिस में लेके आई, ठीक ही लगा मुझे तो। हाँ, हमें भी बेहतर लगा, तमीज का लड़का है, बाकी अल्लाह को जो मंजूर। वो रमशा को अपने डैड की तबीयत की वजह से फिर इमरजेंसी में अमेरिका जाना पड़ा, आपको बताना भूल गया मैं। ओ अल्लाह खैर, ये बच्ची बेचारी भी अपने बाप की जितनी खिदमत कर रही है ना, अल्लाह ताला उससे अजर देगा। खैर आपकी जब बात हो ना तो हमारी तरफ से पूछिएगा बेटा। बात तो कमी होती है हमारी में, बस उसका वॉइस नोट आया था, अब बात होगी तो मैं बता दूंगा। बेटा क्या हम ये समझें कि आपके और रमशा के दरमियान गलत फहमी और इख्तलाफात इतना बढ़ गया कि आप दोनों बात भी करने से गुरेज करते हैं? कुछ ऐसा ही है, मुझसे ज्यादा रमशा को इस चीज की परवाह है कि रूही इस घर में क्यों है और क्या करे, बस यही उसके जहन पे सवार है हर। तो इसका हल क्या है? हल तो रमशा के पास ही, मैंने तो बहुत सब्र किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, मगर जितनी तेजी से उसके रवैये में तब्दीली आई है ना, बहुत तकलीफ दे है। बात अब इल्जाम से आगे जा चुकी है। बेटा जब कोई बात ही नहीं है तो सफाई किस बात की पेश करना? फर्ज करें अम्मी, अगर मेरे और रूही के दरमियान कुछ है भी, लेट्स से, तो मुझे उसका एतराफ करने में क्या हर्ज है? अगर आज मैं रमशा से ताल्लुक खत्म करके रूही से ताल्लुक जोड़ लेता हूँ तो कौन रोकेगा मुझे? हम रोकेंगे, इसलिए कि आपके और रमशा के रिश्ते के जामिन हम हैं। तो आज आपने भी रमशा के इल्जाम पे सच्चाई की मोहर लगाई भी हमें। रोहिल बेटा, सच क्या है और झूठ क्या है ये तो आप, रमशा और रूही जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि रूही को हमने बेटी कहा है और रमशा हमारी बहू है, और इस हैसियत को सिर्फ रमशा ही खत्म कर सकती है। हम अपने अहद से हटने वालों में से हरगिज भी नहीं। लेकिन आपने क्या कहा है आप एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपकी इस बात ने हमारा आप पे जो एक बार है वो थोड़ा हिला दिया है।